मध्य प्रदेश के विकास में एक और नई उड़ान जुड़ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के रीवा को एयरपोर्ट की सौगात मिली है। प्रदेश और केंद्र सरकार की इस सौगात से लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। बता दें कि शुरुआत में रीवा एयरपोर्ट से दो फ्लाइट संचालित होंगी, इसमें से एक भोपाल से खजुराहो होते हुए रीवा पहुँचेगी, इसके बाद सिंगरौली जाएगी, जबकि दूसरी रीवा से जबलपुर होते हुए भोपाल जाएगी। वर्तमान समय में फ्लाई बिग नाम की कंपनी के 19 सीटर विमान यहां चलेंगे। यह एयरपोर्ट विंध्य क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कौन करेंगे आज यहां पर रीवा में जहां रेल नहीं थी, आज रेल तो आई है, लेकिन हवाई यातायात की सुविधा भी आई है। हमारी पीएम श्री वायु सेवा के साथ आज ही रीवा भोपाल कनेक्टिंग फ्लाइट यहीं से रीवा से चालू होगी, आपके सामने विमान जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो इस नई सौगात के लिए। और इतना ही नहीं, जिनको जाना है एक माह के लिए, विमान में कौन कौन नहीं बैठे हाथ खड़े करके बताओ, जो विमान में नहीं बैठे, और 1000 से कम में कौन बैठना चाहते हाथ खड़े करो, जो 1000 से कम में बैठना चाहते हैं। एक महीने तक 999 विमान ले जाएगा आपको रीवा से इसी जगह से। गया जमाना जब बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे। अरे आम आदमी भी बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो ये हमारे लिए हवाई जहाज सबका सर्व सुलभ साधन बनना चाहिए। इसीलिए हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक की व्यवस्था, ये है नरेंद्र मोदी जी का सपना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि हवाई अड्डा की शुरुआत के साथ ही अब रीवा वासियों को एक महीने तक मात्र 999 रुपए में हवाई यात्रा का फायदा मिलेगा। सरकार के लगातार प्रयासों से गरीब आदमी को भी हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। रीवा एयरपोर्ट के निर्माण से न सिर्फ रीवा बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के विकास को नया आयाम मिलेगा। एयरपोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र के टूरिज्म के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा। सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली की बड़ी आबादी वाले देश के अन्य शहरों से सीधे जुड़ सकेंगे। वहीं शिक्षा और चिकित्सा के संबंध में अब लोग आसानी से प्रदेश की राजधानी भोपाल जा सकेंगे। हवाई सेवा की सुविधा से विंध्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कल्चरल एक्टिविटीज, टूरिज्म, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा।